जय हिंद दिलीप, कैसे भैया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एग्जाम को लेकर मैथ की प्रैक्टिस बुक की, कि कौन सी बुक आपके एग्जाम के लिए सुटेबल रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूसेंट पब्लिकेशन की। लूसेंट पब्लिकेशन की ये जो मैथ की बुक है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये लूसेंट पब्लिकेशन की मैथ की बुक है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, इसमें बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें इसके अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के इस बुक की प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप इजी हर क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। इसका मेन मोटिव आज के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके हिसाब से रहेगा, केवल आपकी कट ऑफ क्लियर करवा सकती है मैथ की, सेक्शनल कट ऑफ 9 नंबर आपको पास करवा सकती है, बस इससे ज़्यादा इसकी आप औकात नहीं रहेगी, क्योंकि आज का जो लेवल आ रहा है मैथ का वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। पीक्यूआरएस टाइप मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक फर्स्ट पार्ट सही होगा, ए बी सही होगा, बी सी सही होगा, कुछ इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी जा रही है मैथ और टाइम टेकन हो रही है, तो इससे इसमें क्या, इसमें केवल बेसिक लेवल का आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे आपका मतलब हाँ पास, अगर आपको केवल पास ही करना है तो आप इस बुक को लगा सकते हैं। और हाँ, इस बुक की एक खास बात यह है कि आपका अपने सारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, आप इसको 5 दिन में लगा के खत्म कर सकते हैं। इस 5 दिन के अंदर एग्जाम से पहले इस बुक को प्रैक्टिस करना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलेंगे, हर कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इस आर एस अग्रवाल को लेकर, ये बेसिकली बनी तो इंडिया लेने के लिए है, पर जो आज का एग्जाम आ रहा है एयरफोर्स लेवल, वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है। एयरफोर्स का लेवल है जो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं लेते हैं, इसमें उस सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने इस बुक की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपका मैथ में 20+ स्कोर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं एग्जाम दिया, एनालाइज किया कि क्या आ रहा है आज का लेवल। लूसेंट भी पढ़ी, आर एस अग्रवाल भी पढ़ी है, लूसेंट से बस इतना रहता है कि आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, बस लूसेंट का एक जो क्रिशियल रोल रहता है वो आप अपने एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसको एक बार पूरी लूसेंट लगा लीजिए, तो आपके मैथ के सारे फॉर्मूले वो रिवाइज हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब मुझे सारे फॉर्म जो पता है सब कुछ रिवाइज कर लिया, ठीक है। वैसे जो एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अगर लूसेंट है तो आप लूसेंट प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप आर एस अग्रवाल जरूर लगाइए। आर एस अग्रवाल लगाएंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है कि हाँ ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा, इसका सोल्यूशन भी देखना पड़ रहा है आपको, इसमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सोल्यूशन तो दोनों बुक में मिल जाएगा, सोल्यूशन देख के आप इसको सॉल्व करिए। नहीं तो एक चित्रा मैम का यूट्यूब चैनल है द ट्यूटर्स एकेडमी से, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन कराया है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वो उनका वीडियो देख लीजिए, सोल्यूशन के इजीली समझाया उन्होंने हर क्वेश्चन को। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। सो टेक केयर एंड जय हिंद।